हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है। आज हमारा भूगोल कक्षा 6 में है, पृथ्वी और हमारा परमंडल। पृथ्वी के परमंडल में हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा तक प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सभी महाद्वीपों को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि स्थल कृतियाँ क्या है और जल चक्र क्या है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थल कृतियाँ। स्थल कृतियों में हमने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सातों महाद्वीप के बारे में हमने विस्तृत से पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्थल कृतियाँ लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, कि हम आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, कहीं पर ऊँची है, कहीं पर नीची है, और कहीं पर समतल है। पृथ्वी हमारी कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर समतल है, कहीं पर नदी है, कहीं पेड़ पौधे, यानी कि कहीं पर बराबर नहीं है। सब जगह कुछ ना कुछ स्थान ऊपर नीचे है। हमारी पृथ्वी का धरातल असमान एवं ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। जो समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं वो क्या होंगे? पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। कौन सा 3 वर्ग है? पर्वत, पठार एवं मैदान में विभाजित किया जा सकता है। पर्वत, पठार एवं मैदानों में विभाजित किया जा सकता है। फिर देखते हैं जलमंडल। हम आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, लेकिन पीने योग्य पानी 0.03% है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी कि 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 29% भाग स्थल है। यानी कि 71% भाग पर क्या है? हमारा पृथ्वी है, और 21% पर स्थल है, और 71% भाग पर क्या है? जल है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी कि 71% भाग पर जल है तथा लगभग 1/4 यानी कि 29% भाग पर स्थल है। फिर इसके बाद आता है कि धरातल पर अधिक नीला भाग फैला हुआ है कि स्थल भाग है, यानी कि जो नीला फैला हुआ भाग, इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी नीली है। पृथ्वी कैसी है? नीली। किसके कारण से? पानी के कारण से है। ये महासागर आपस में जुड़े होते हैं। अभी इससे पहले पढ़े थे कि महासागर क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में मिले होते हैं। महासागरीय जल सदा गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब सतत चलते रहते हैं। इसमें क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, लहरें आती तथा धाराएं चलती रहती हैं। लहरें, धाराएं तथा ज्वार भाटा आते रहते हैं। और महासागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है। महासागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। समुद्र जल महासागर तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है, कि जो समुद्र तल है उसको शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है, और जिसकी माप की जाती है समुद्र तल की ऊंचाई से की जाती है, चाहे उसकी गहराई नापना हो, चाहे उसकी ऊंचाई नापना हो। महासागर की गहराई हो अथवा स्थल खंड के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई ऊंचाइयां महासागर तल से नापी जाती हैं, यानी कि समुद्र तल के लेवल से सारी चीज़ों की ऊंचाई और गहराई नापी जाती है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी कि पानी अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं। जल के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? हम आप जानते हैं, बर्फ ठोस है, द्रव जल है, वाष्प क्या है? गैस है। तो इस प्रकार से जल 3 रूपों में पाया जाता है। गैस के रूप में पाया जाता है, वाष्प क्या? गैस के रूप है। फिर इसके बाद देखते हैं जल, जल चक्र, द वाटर साइकिल। जल चक्र है, जो जल चक्र है इसको हम ऐसे समझेंगे कि जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का मतलब होता है जो हम आप देखते हैं कि पृथ्वी का पानी है, ये वाष्प बनता है, वाष्प बनके गैस हो जाता है, गैस बनके क्या होता है? ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर पानी नीचे द्रव के रूप में गिरता रहता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या होती? चलती रहती है, और पानी का लगातार बहाव या प्रवाह समान बना रहता है। पृथ्वी पर जल 3 रूपों, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। पृथ्वी पर 3 रूपों, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के 3 रूपों के आपसी परिवर्तन से है। आपसी परिवर्तन क्या होता है, यह निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। जो पृथ्वी की जल होती है
उस जल को वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर के पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसे संघनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि के रूपों में पाया जाता है। जो कोहरा गिरता है, ओस गिरता है, आदि के रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। यानी कि जब ये ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। वर्षण कई रूपों में होता है, वर्षण यानी कि वर्षा कई रूपों में होता है। कैसे कैसे होता है, वर्षा के रूप में होता है, फुहार के रूप में होता है, ओस के रूप में होता है, हिमपात आदि के रूप में देखा जाता है। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार चक्र एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ जल चक्र का, देखो हम समझते हैं कि वाष्पन होता है, वाष्पन के बाद क्या होता है, संघनन होता है, संघनन के बाद क्या होता है, वर्षण होता है यानी कि वर्षा होती। इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होती, लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से हम समझे जल चक्र। आगे देखते हैं हम सब लोग वायुमंडल। हम आप जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का मतलब होता है जहाँ हवा का चारों तरफ घेरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में हम आप जानते हैं सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, शेष अन्य गैसे कार्बन, आर्गन, अन्य प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है जो चारों ओर से घिरा होता है, जो हवा के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए वायुमंडल में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन इत्यादि गैसें हैं, यानी कि इन गैसों का जो आवरण होता है इसी को कहते हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमारी पृथ्वी है इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये गैसी आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर यानी कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कि यानी कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है, यानी कि इनके जो भाग हैं अलग अलग परतों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह, यानी कि पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर के क्या होता है, ये परतें क्रमशः क्या है, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, तीसरा क्या है, मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है, और पांचवा कौन सा है, वहिर्मंडल है। कौन सा है, वहिर्मंडल है। और वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट, यानी कि जो वायुमंडल है वो 97% भाग धरातल के निकट है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायुविहीन वायु अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती, यानी कि उसमें हम कोई स्पष्ट सीमा नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि वायुमंडल में मुक्ता नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन तथा अन्य प्रकार की जो गैसें होती वो 1% पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की, 1% पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, यानी कि जो नाइट्रोजन है ये जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। और ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राणवायु है। हम आप जानते हैं कि नाइट्रोजन वातावरण में सबसे अधिक पाया जाता है। अभी बताया गया क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी जंतुओं की वृद्धि एवं विकास होता है, इसलिए आवश्यक है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी कारण हवाओं का भार क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि धरातल की ऊंचाई से बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान क्या होता है, घट जाता है। जो तापमान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। इसी कारण से ऊंचे पर्वतों पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है। हवा का दाब भी कम हो जाता है, इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का भरा सिलेंडर रखते हैं। हम आप सुने होंगे कि जो पर्वतारोही होते हैं, क्योंकि अभी बताया गया जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या है, वायु का घनत्व कम हो जाता है, तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके और वो ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके। फिर इसके बाद आता है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसी को यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। देख रहे हैं कि जो परतें थी पृथ्वी के सापेक्ष थी, कि पृथ्वी के बाद क्या है, क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। फिर इसके आगे हम देख, चलिए अब हम सब लोग देखते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल का मतलब है जहाँ हम आसपास रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इन पूरे समूहों को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है, एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल, यानी कौन, स्थल जल एवं वायु, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी कि ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया है, यानी कि इनकी अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है, जहाँ पर जीवन होता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जहाँ अनुकूलन होगा, यानी कि सारी चीज़ें सुटेबल होंगी, वहाँ पर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे, कुछ ऊपर का मतलब क्या है, हम आप देखते हैं जैसे पेड़ पौधा क्या है, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, इसी प्रकार से कुछ जमीन में, यानी कि तालाब में क्या है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, यानी कि यह क्षेत्र कुछ धरातल के ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है, यानी कि जल और एवं वायु में फैला। इस सीमित क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। इस सीमित क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। अब शाकाहारी क्या है, हम आप जानते हैं शाकाहारी मतलब होता है जो घास फूस खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी है, गाय है, भेड़ है, इस प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी क्या है, जो मांस खाए, यानी कि जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, भेड़ है, भेड़े या चीता है, इस प्रकार से शाकाहारी और मांसाहारी। फिर इसके बाद आता है कि इन वनस्पतियों शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैव मंडल कहा जाता है। स्थलीय जैव मंडल क्या हो गया, स्थलीय जैव मंडल का मतलब होता है जहां पर शाकाहारी मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप से मिला होता है, उसे क्या कहते हैं, स्थलीय जैव मंडल कहते हैं। महासागर यानी कि नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं, घास और शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की वनस्पतियां मछलियां पालती हैं, इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय जैव मंडल कहते हैं। मानव भी जैव मंडल का एक सदस्य है, मानव जैव मंडल का एक सदस्य है, जो स्थलीय एवं जलीय जीव मंडल के आपस में भोजन ग्रहण करता है। देखे होंगे जो पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होते हैं, उसको खाते हैं, मछलियां खाते हैं, मुर्गी अंडे, यानी कि विभिन्न प्रकार के सम्मिलन से इनका भोजन प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आता है मानव जैव मंडल को क्षत भी पहुंचाता है, यानी कि पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, जीव जंतुओं को मार रहा है, इससे क्या होता है, जैव मंडल को क्षत पहुँच रही है।
जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, यानी कि धुआं देखते मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रेन, यानी कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उद्योगों से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में क्या होती है, विसर्जित होती रहती है, जिससे वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। वायुमंडल का ताप क्या है, बढ़ रहा है, जिसे भूमंडलीय ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जैव मंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे क्या होता है, जैव मंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो आप गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। अगर इसी रफ्तार से सारी चीजें विसर्जित होती रही, उद्योग धंधे के साथ साथ धुआं का उत्सर्जन बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारा जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण से बचना चाहिए। ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।